वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी खुशखबरी आने वाली है, सुनकर आप सभी की रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा खुशखबरी किसी ने 7 जन्मों में भी नहीं देखी होगी जो अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी को प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी का जीवन घोड़े से 1000 गुना ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाली, एक शब्दों में कहें तो जीवन का एक नए पड़ाव आ चुका है। अब आप खुश रहिए और खुशियां बनती हैं, परंतु पहले आपने जो गलती की है उसको दोहराने की गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे शुभ योग के साथ दुर्लभ महासंघ का निर्माण हुआ है जो आपको लाभ से भर देंगे, परंतु खतरे की भी घंटी बज चुकी है। दुश्मन आपको कामयाबी पाने से, तरक्की पानी से रोकने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, परंतु आप इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बात बताने वाले हैं, वह आपके लिए सफलता की चाबी होगी, भगवान का दिया हुआ संकेत साबित होगा। दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम आप सभी से विनती करते हैं, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट संकट समाप्त हो जाएंगे। आप सभी से आज हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम इस विद्या के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कृपया कर इस विद्या का भूलकर भी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि यह एक ऐसी विद्या है जो ब्रह्मास्त्र के समान अचूक और बेहद शक्तिशाली है। यह तो अपना कार्य करेगी ही, लेकिन यदि आपने इसका दुरुपयोग कर दिया तो इसका कहीं ना कहीं हमें और हमारी साधना को भी प्रभावित करेगा। जी हाँ प्रिय मित्र, इस बात का ख्याल रखना और केवल अपनी सकारात्मक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इस विद्या का प्रयोग करना। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको 3 चीजों के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप जब भी किसी भी इंसान से मिले तो उसकी आंखों में देखकर बस एक बार इस एक मंत्र को बोल देना है, फिर वह इंसान आपका गुलाम बन जाएगा, आप जो भी कुछ चाहेंगे वह आपके लिए करेगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधु, आपके अंदर इतनी गजब की आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि आप जो भी कुछ चाहेंगे, चाहे वह कोई चीज हो, धन दौलत हो, याहू चाहे कोई इंसान या उसका सच्चा प्रेम हो, सब कुछ आपकी ओर चुंबक की तरह खींचकर चला आएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा। कि हमें तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माए महामय माँ दुर्गा की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रिय मित्र, आपने देखा होगा कि लोहा दूसरे लोहे को कभी आकर्षित नहीं करता, लेकिन उसी लोहे से बनी हुई चुंबक दूसरे लोहे को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसका कारण क्या है, जबकि धातु एक ही है, बस ऊर्जाओं का परिवर्तन हो जाता है और जैसे ही ऊर्जा बदलती है तो तुरंत उनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। यही होता है जब किसी इंसान के अंदर घुस जाओ, कब परिवर्तन हो जाता है तो उसके अंदर भी आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और फिर वह हर एक मनचाही चीज, हर एक इंसान या उसका सच्चा प्रेम अपनी ओर अर्जित करने लगता है। अब इसका लाभ यह होता है, प्यारे दोस्तों, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर बार यही होता है कि आपके प्रयासों और आपकी मेहनत के फल के बीच कुछ न कुछ अवश्य आ ही जाता है, या तो किसी की नकारात्मक शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा, या फिर ग्रहों की चाल, या फिर आपका दुर्भाग्य, किसी न किसी के बीच में आ जाने से आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है और यहां तक कि आपके रिश्ते नातों में भी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब ऐसे में आपकी जो मनाई स्थिति है वह अच्छी है, आप मन से पवित्र हैं और सबका प्रेम चाहते हैं और सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसके बावजूद भी आप कुछ चीजें हासिल नहीं हो पाती हैं, सब काम में आती है ये पिक्चर जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन प्रिय बंध हुए, यह बेहद ही गुप्त और शक्तिशाली विद्या है। इसमें हम 3 तरह से कार्य करते हैं, पहला मंत्र, दूसरा तंत्र और तीसरा यंत्र।
तीनों चीजों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर भी आपसे हम बार बार निवेदन यही करेंगे कि कृपया करें, इस विद्या का दुरुपयोग ना करें, यानी कि गलत कार्यों के लिए गलत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि एक बार आपने इसका प्रयोग कर दिया जो चीज तो आपकी ओर आकर्षित होगी ही, हर हालत में आपकी ओर आकर्षित होगी, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वह पूरी होगी ही। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह इच्छा सकारात्मक है या नकारात्मक है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कृपया कर इसका दुरुपयोग ना करें, सकारात्मक कार्यों के लिए ही इसका प्रयोग करें। मजबूरी में हम यह विद्या आपको बता रहे हैं क्योंकि हम लंबे समय से यह देश से चले आ रहे हैं, आप लोगों के मैसेज पढ़ रहे हैं, आपकी परेशानियों का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है, कई प्रकार की समस्याओं ने आपके जीवन को घेर कर रखा है। एक उपाय यदि आप कर भी लेते हैं तो दूसरी कोई नकारात्मक शक्ति या कोई ग्रहों की चाल प्रभावित करने लगती है और आपके जीवन में परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। इसीलिए हम माता रानी से अनुमति लेने के बाद आपको यह विद्या देने जा रहे हैं, तो सारी बातों को आप ध्यान से समझें। हर एक विधि को अच्छी तरह से समझने के बाद बिल्कुल सही विधि विधान के साथ उनका प्रयोग करना शुरू करें। माता रानी के आशीर्वाद और कृपा से आपको बहुत जल्दी वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आप चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। चुंबक के समान आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। एक और छोटी सी बात आपको हम बता दें कि कृपया कर कॉपी और पेन लेकर बैठे थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट करनी पड़ेगी। और एक बात आपको बता दें कि यहां पर कुछ लोग थोड़े भयभीत होने लगे होंगे कि हम कौन सी विद्या बताने जा रहे हैं, तो हम कहीं कोई भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों की बात नहीं कर रही है, हम केवल और केवल टिप्स शक्तियों के माध्यम से आपकी आत्मिक बल को बढ़ाने वाले हैं और आपके अंदर एक गजब का आकर्षण बल उत्पन्न करने जा रहे हैं। इसलिए आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निडर होकर माता रानी पर पूरा भाव पूरी भक्ति रखकर इस क्रिया का उपयोग करना शुरू करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस उल्टा माता रानी की आपको कृपा ही और अधिक प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि यह एक साथ विकेट लिया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाएं आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और शक्तिशाली ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें ताकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और जीवन सरल बनता रहे, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती रहे। तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं, तीन बार लिखना, जय मां दुर्गा माता रानी की, आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस उदास का आपसे छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करें जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य तबाही थे। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और सीधे धाम से जुड़ जाएंगे, और फिर आपके ऊपर हर वक्त माता रानी की छत्र छाया बनी रहेगी, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह प्यारे दोस्तों की आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रिय बंधुओं को ध्यान से समझिए, इस संसार में जितने भी लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा हावी रहती ही है। नकारात्मक ऊर्जा दो तरह से हावी होती है, एक कि कोई उसे आपकी और खुद भेज देता है, जलन के वशीभूत आपसे दुश्मनी मानता है, इस वजह से वह एंकर नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि वह किसी भूत प्रेत पिशाच निशाचर से जुड़ी हुई शक्ति होती है। एक नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है जो आप खुद ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यह है कि भूल बस आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग, इसीलिए लोग अधिक पूजा पाठ करती हैं उनके। जीवन में कष्ट परेशानियां भले ही बनी रहे लेकिन उनके अंदर की आत्मिक ऊर्जा कभी कम नहीं होती है, मतलब कि उन्हें उन परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती रहती है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप मेहनत करनी होगी प्रकाश को लाने के लिए, अन्यथा अंधेरा तो बना ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको मेहनत करनी होगी, अपने आप
और अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए, अन्यथा बिना प्रयास के यह नकारात्मक तो अपने आप ही बन जाएगा। और जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है तो आप चाहे कोई भी साथ अभिक्रिया कर लीजिए, आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे मान्य कि आपके आसपास एक हाल है, एक खबर है जिसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो पहला काम है उस खबर को हटा देना। अब जल्दी से, अब सारी बातों को ध्यान से समझ गए, आपके ऊपर नकारात्मक लिया या नकारात्मक ऊर्जा का साया है कि नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम आपको आसान और सरल संगीत बता रहे हैं। इन्हें आप ध्यान से समझिए। को हटाने के लिए हम आपको एक छोटी सी विधि बताएंगे जिसे आपको आजमाना होगा और यह नकारात्मक तुरंत आपके ऊपर से हट जाएगी। तो ध्यान से सुने। सबसे पहला संकेत है सांसों का भारीपन, जी हमें स्रोत। दूसरा संकेत है आप पर्याप्त नींद, यानी कि आपको हमेशा थका थका सा महसूस होगा, नींद भी आपको अच्छी नहीं आएगी, हर समय किसी न किसी की उपस्थिति का आपको एहसास होता रहेगा, आप जब भी अकेले होंगे आपको लगे कि कोई आपके आसपास है। इसी प्रकार अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार होगा तो उसमें गिरावट आएगी, घाटा बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, समस्याएं ऐसी ऐसी आएंगी कि आप उनके समाधान भी निकाल नहीं पाएंगे। अगला संकेत है कि आपके चेहरे की कांति यानी कि चमक गायब होने लगेगी, उसका चेहरा रहने लगेगा। अगला संकेत यह है कि शरीर में चोट लगने के निशान दिखाई देने लगेंगे, मित्र शरीर पर नीले नीले या लाल निशान दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, हमारा है, किसी प्रकार से आपके ऊपर परिहार किया गया है, ऐसे निशान आपके शरीर पर जगह जगह दिखाई देने लगेंगे। इसी प्रकार का आखिरी संकेत यह होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी निराशा, काम के प्रति उत्साह की कमी और हर वक्त एकांत और अंधेरे में डूबे रहने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। आप किसी से भी बात करना पसंद नहीं करेंगे, फिर चाहे वह कोई अच्छी बात कह रहा हो या बुरी बात कह रहा हो, आप उसके कार्यों में, उसकी बातों में नहीं होगी। संकेत तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जल्दी जल्दी से आपको भी संकेत बताए जो सबसे पहले दिखाई देते हैं। सिर में भारीपन का रहना, भूख ना लगना और लगातार शरीर कमजोर होते चले जाना, यह सारी संकेतक नकारात्मक शक्तियों के हैं कि वह आपके ऊपर हावी है। अब हो सकता है कि सारे ही संकेत आपको मिल जाए या फिर इनमें से कुछ संकेत आपको देखने के लिए मिल जाए, तो अगर कुछ भी संकेत आपके, आप समझ जाइए कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन चुका है। अब आपको इस नकारात्मक ऊर्जा के वातावरण से मुक्ति प्राप्त करनी है तो अब इसके लिए आपको एक छोटी सी क्रिया करनी होगी। बहुत ही सरल है यह क्रिया, कोई भी कर सकता है और इस क्रिया को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। केवल रविवार के दिन इस क्रिया को ना करें और एकादशी के दिन भी ना करें। तो अब ध्यान से सुने कि यह कौन सी क्रिया है। आपके घर में तुलसी का पौधा तो है ही, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और व्यक्तियों से भरपूर होता है, इसे माता वृंदा या फिर माँ तुलसी के नाम से जाना जाता है। जिस घर में भी तुलसी माता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह पाती है, यह बात सत्य है। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। आप तुलसी माता के पास जाना है और उन्हें RS1 का सिक्का भेंट करना है। ये प्यारे दोस्तों, आप सुबह सुबह यह कार्य करेंगे तो कर जाएंगे, उसके बाद आप तुलसी माता के पास जाएंगे और उन्हें RS1 का सिक्का भेंट करेंगे, पता का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद आप तुलसी माता से मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि हे माते, हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन चुका है, अब हम चाहते हैं कि आप हमें इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्रदान करें ताकि भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। हमें आपकी मदद की, आपके प्रेम और आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। बस इतनी सी आपको प्रार्थना करनी है, कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है, और आपको माता तुलसी से एक पत्ता ले लेना है, पर तक खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा या फिर फटा हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध साफ सुथरा एक पत्ता आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस पत्ते की आपको 3 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा आपको अपने नहाने वाले जल में डाल देना है और उस जल से आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद जब आप घर से बाहर निकले तो एक पत्ता आपको, एक टुकड़ा जो आपने किया 3 टुकड़े की है, उनमें से अगला टुकड़ा आपको अपने मुख में रख लेना है और घर से बाहर निकल जाना है।
इसके बाद जो तीसरा टुकड़ा बचा उसे आपको किसी भी हरे भरे पेड़ पौधे के नीचे रख देना है। जी हमें तो, लेकिन उस पौधे के नीचे रखने से पहले उसे 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा उतार देना है या फिर देना है। उसके बाद आप उसे उस पेड़ के नीचे रख देना है और वहां से चले आना है। इस क्रिया को आपको कम से कम 7 दिन तक करना है। जी हाँ मित्र, 7 दिन तक लगातार आप इस क्रिया को करते रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में तुरंत इसकी परिवर्तन महसूस होने शुरू हो जाएंगे। पहले ही दिन से आपकी मानसिकता बदलने लगे कि काम धंधा व्यापार में आ रही अड़चन दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी है और कितनी शक्तिशाली है, इसका प्रमाण यह रहेगा कि जब आप तो आखिरी पत्ते का टुकड़ा है पेड़ के नीचे रखने जाएंगे तो उस पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने शुरू हो जाएंगी। यदि वे हिलती है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति हावी है और अब वह शक्ति कटनी शुरू हो चुकी है। इस क्रिया को आप करके देखें और इस प्रमाण से आप इस बात को आजमा सकते हैं तो आप इस विधि के द्वारा नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर से हटा देंगे। इसके बाद अब शुरू करते हैं। आपकी स्वयं की आकर्षण शक्ति को बढ़ाने की क्रिया में हम 3 विधियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली कि आपकी आज्ञा चक्र को मजबूत करेंगे, उसकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे ताकि आप जिसे जो भी आज्ञा दें वह उसे अवश्य मान ही ले। तो अब ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेकर बैठी है। आपका आज्ञा चक्र आपकी दोनों गांवों के बीच में यानी आपकी दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच मौजूद होता है। अब इस आज्ञा चक्र का नाम आज्ञा चक्र इसीलिए है क्योंकि इस चक्र की ऊर्जा यदि बहुत अधिक बढ़ जाए तो आप जिसे जो आज्ञा देंगे वह उसे अवश्य मान ही लेगा। प्राचीन काल में आर्षि मुनि इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करते थे और जब उन्हें इसमें सफलता हासिल हो जाती थी तो वह चाहे किसी को वरदान दे दें या आशीर्वाद दे दें या शराब दे दें, हर एक बात सिद्ध हो जाती थी, सच हो जाती थी, क्योंकि उनकी आज्ञा शक्ति बढ़ जाती थी। तो आपकी भी आज्ञा शक्ति को बढ़ाएंगे तो इसके लिए आपको बनाना होगा। एक आकर्षण तिलक मित्र यह कैसे बनेगा इसे आप ध्यान से समझिए। किसी भी गुरुवार के दिन आपको बाजार से इन चीजों को लेकर आना है। पहला थोड़ी सी काली हल्दी, दूसरा थोड़ी सी रोली, तीसरा अश्वगंधा और चौथा चंदन, पांचवा आंवले का रस, आंवले का फल लेकर आएं और उसका रस निकाल लें। अब इन सारी चीजों को आपको कैसे प्रयोग करना है इसे आप ध्यान से समझ गए। काली हल्दी को आपको पीस लेना है, उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा अश्वगंध और थोड़ा सा चंदन मिला देना है। इन सब सामग्रियों को मिलाने के बाद इसमें आपको आंवले का रस मिला लेना है। सभी की मात्रा आपको समान रखनी है। समान मात्रा रखने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे तो यह विशेष प्रकार का चंदन बन जाएगा जो आपकी आज्ञा चक्र किस पक्षी को बहुत अधिक बढ़ा देगा। अब इसका निर्माण करते समय आपको किसी विशेष क्रिया विधि का प्रयोग नहीं करना है, बस मन ही मन आपको एक छोटा सा मंत्र है जिसे बोलते रहना है और मंत्र है AUM क्लींजर। प्यारे दोस्तों, इस मंत्र को आपको लगातार बोलते रहना है, ओम क्लीम, ओम क्लीम। यह एक बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण मंत्र है जो मां दुर्गा, भगवान श्री कृष्ण और कामदेव से जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। तो आप इस मंत्र को लगातार बोलते रहना है और इस सामग्री को तैयार करते रहना है। फिर इसे आप किसी डिब्बी में भरकर अपने पूजा घर में सकते हैं। उसके बाद जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने माथे पर गोल हिंदी लगाकर ही बाहर निकले। अब इसी के साथ साथ गुरुवार के दिन आपको इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपको एक माला जाप करनी है, तुलसी की माला का प्रयोग करेंगे। जाप करने के लिए जब आप इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे यह मंत्र आपकी ऊपर सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो यह स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, फिर भी इसे स्वयं से कम एक माला जाप करके सिद्ध करना पड़ता है, तभी यह आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। तो मंत्र कौन सा है इसे आप ध्यान से सुने, यह आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। अब इस मंत्र का जाप शाम के समय करें तो ज्यादा काम रहेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच इसका जाप नहीं किया जाता है, यानी सूर्यास्त होने के बाद आप इसका जाप करना है। लगभग 7, 8 या 9 बजे के बीच आप बैठ जाएं अपने पूजा घर में और इस मंत्र का जाप करें। कोई विशेष विधि विधान नहीं है, बस इसका जाप करना है, तुलसी की माला का प्रयोग करें।
पहले ही हमने आपको बता दिया है तो मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। आपको यह मंत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार है। हम भूल कर भी आपको बता देते हैं, ओम नमो भगवते कामदेवाय, यस्य यस्य दृश्यो भवानी, यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोह। यदुस्वाहा मंत्र थोड़ा सा लंबा अवश्य है, लेकिन यह बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को आपको एक माला जाप कर लेना है, यह आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिले, यानी कि आप कार्यस्थल पर हैं और चाहते हैं कि यह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो, आपकी बातों से प्रभावित हो और आपकी हर बात माने, तो जब आप उस व्यक्ति से मिले तो उसकी आंखों में देखकर आप इस मंत्र को मन ही मन बस एक बार बोल दें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते कामदेवाय, यस्य यस्य दृश्यो भवानी, यशय शयश अतितम तम मोहर कुशवाहा। बहुत ही सरल मंत्र है, एक माला जाप करेंगे उतने में ही आपको याद हो जाएगा और फिर आपको बस इसी मंत्र को बोलना है और आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के भाव अचानक से बदल जाएंगे। आपके लिए वह आपकी हां में हां मिलाने लगी का जो चाहेंगे वह आपके लिए करने लगेगा, बस इसका दुरुपयोग ना करें। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, तो यह तो हमने आपको दो चीजें बता दी हैं, एक मंत्र और एक तंत्र। अब हम बताएंगे आपको यंत्र के बारे में, और यह भी बहुत ही शक्तिशाली गजब का आकर्षण यंत्र है। इसे मोहिनी यंत्र कहा जाता है। आप इस यंत्र का विशेष विधि विधान के साथ प्रयोग करें, हम आपको भी सारी चीजें बताने जा रहे हैं। फिर इन तीनों शक्तियों को एक साथ जब आप प्रयोग करेंगे तो आप इसके अद्भुत परिणाम देखेंगे। जी हां प्रिय बंधुओं, तो अब ध्यान से सुने, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें प्रिय मित्र, कि हम अक्सर यह देख रहे हैं कि लोग हमारी बताई हुई बातों को नकल बहुत कर रहे हैं। YouTube पर हमारी नकल कर करके तुरंत ज्योतिष कार्यक्रम बनाकर डाल दे, और आप लोग होने वाले हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं और ऐसे पाखंडी ऑफिस चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी बताई उटपटांग बातों को मानने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो साधनाएं की नहीं है, तो उन्हें विधि विधान का भी सही ज्ञान नहीं होता, तो भी आपको उल्टी सीधी बातें बता सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं भी माता रानी के आदेश और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमने माता रानी की लंबे समय तक सेवा की है। अब आप जब भी हमारी द्वारा बताई गई बातें या हमसे मिलती जुलती बातें किसी के ज्योतिष कार्यक्रम में सुने, तो उनके डिस्क्रिप्शन में जाकर धाम का कोई संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर वगैरह अवश्य देखें। ऐसे पाखंडी ओके डिस्क्रिप्शन में कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि वह असली तो है नहीं, तो नकली है, नकल कर करके बता रहे हैं दूसरों को। लेकिन हमारी हर ज्योतिष कार्यक्रम में आपको हमारी धाम का नंबर अवश्य दिखाई देगा। माता रानी से और हमसे आप जब चाहे तब जोड़ सकते हैं, तो हमारी बात भूल है, शुद्ध है, और उनकी बातें अमूल्य अशुद्ध है, तो उन बातों को ना माने कृपया करके, हमारी ही ज्योतिष कार्यक्रम की दी गई बातों को आप सच माने और जीवन में उन्हें प्रयोग करें। किसी और के द्वारा बताई गई अनर्गल बातों को आप प्रयोग करेंगे तो आप सभी सकते हैं और जाएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन प्रभाव बहुत गहरी होते हैं, इनके तो जरा संभल कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से यूं ही ज्ञान नहीं ले लिया जाता है, यहां लेने के लिए गुरु को भी शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है, अन्यथा वह आपको प्रकाश के बजाय अंधेरे में धकेल सकता है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, नकल करने वालों के चक्कर में ना पड़े, आप हमसे जुड़े, माता रानी से जुड़े, धाम से जुड़े, यही आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब बताते हैं आपको यंत्र के बारे में। तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक विशेष ही यंत्र है। 16 खाने होते हैं इस यंत्र में। यंत्र को बनाने की विधि क्या है, इसे आप ध्यान से सुने, नोट कर लें, यही पर सारा खेल खेला जाएगा। फिर इसे प्रयोग कैसे करना है, इसे भी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो हर बात को ध्यान से समझे, बिल्कुल भी इस एम इस ना होने दें और बातों को ज्यों का त्यों ही प्रयोग करेंगे, तभी इनके परिणाम आपको दिखाई देंगे। आप इनमें बिल्कुल भी अंतर ना करें, अपने मन से कुछ भी ना तो जोड़े और ना ही कुछ भी हटाए। तो गुरुवार के दिन ही जब आपने मंत्र जाप कर लिया, अपने लिए चंदन निर्माण कर लिया, तो उसके बाद आपको यही यंत्र निर्माण करना होगा। अब यंत्र निर्माण करने के लिए आप भोजपत्र लेकर आए, अनार की कलम बनाएं और उस पर लाल रंग से इस यंत्र का निर्माण करें।
यंत्र आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही यंत्र आप निर्माण करें और इस यंत्र को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पैरों के पास रख दें। जी हां प्यारे दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो अपने पर्स में जहां आप कैसे रखते हैं और यदि पच भी नहीं रख सकते तो आप अपने शर्ट की पेंट की जेब में ना रखें। स्टार्ट कीजिए। मैं इस यंत्र को रख ले चुपचाप किसी कागज में लपेट कर इसे आप अपनी जेब में रखे रहें। उसके बाद तीन चीजों का समावेश आपके पास हो चुका है, तंत्र मंत्र और यंत्र। यह तीन चीजें मिलकर आपके आसपास ही का गजब का आकर्षण क्षेत्र तैयार करेंगे। आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, बिल्कुल जैसे कि चुंबक की ऊर्जा परिवर्तित होने के बाद लोहे को आकर्षित करती है। आपके अंदर जो आकर्षण ऊर्जा उत्पन्न होगी वह आपकी हर एक मनोकामना को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अब इतना करने के बाद आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। पहला इनाम जब अवश्य करना है, क्योंकि आपके अंदर एक विशेष बल उत्पन्न हो चुका है चीजों को आकर्षित करने का, तो अब ऐसे में आपको मति भ्रम हो सकता है। राहु आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, तो आपको भगवान का नाम जप करना है। जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उस भगवान का आपको नाम जप करते रहना है ताकि आपका चित्र शुद्ध बना रहे। आप यहां तो गलती से भी कोई गलत कार्य ना हो जाए, किसी नकारात्मक कार्य में आप लिफ्ट ना हो जाएं, इसीलिए आपको मानसिक शुद्धता बनाकर रखनी है। दूसरा कि नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक परिस्थितियों से और नकारात्मक कार्यों से आपको दूर रहना है। बस इतना सा आपको कार्य करना है और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन एक झटके में बदल जाएगा। आप इस विधि का प्रयोग करें और इसके नतीजे हमें कमेंट करके बताएं। हमें पूरा विश्वास है कि 100% यह आपके ऊपर कार्य करेगा ही। अब तक एक ऐसा इंसान नहीं आया हमारे पास लौटकर जिसने कहा हो गुरुजी इस क्रिया ने हमारे ऊपर कार्य नहीं किया है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जब साधना उसे मुक्त होंगे तो आपके प्रश्न देखकर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वह जो सिक्का अपने तुलसी माता के पास रखा था उसके बारे में यदि प्रश्न आए कि उसका क्या करना है, उस 7 दिनों तक इस विधि को करने के बाद आपके जो रुपए एकत्रित हो जाएंगे उन रुपयों को आप किसी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। उम्मीद है हमने आपके सारे सवालों के जवाब ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत ही दे दिए हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न बने तो आप बेफिक्र होकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा कृपा करो अवश्य लिखना, माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे। याद रखें कि आपके ऊपर माता रानी की छत्रछाया, कृपा और आशीर्वाद आ चुके हैं, क्योंकि आप धाम से जुड़ चुके हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां दुर्गा माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।